assalamu alaikum students i hope you all are doing well let's get started our today's lesson in our previous lecture we have discussed about the important structures of leaf now we are going to study about photosynthesis what is meant by the word photosynthesis photosynthesis is basically the combination of two words the first word is photo and the second word is synthesis the word photo means light, whereas the word synthesis means to make. So, we can say that photosynthesis is the production or making of food in the presence of sunlight. So, how will we define photosynthesis? We can define it as photosynthesis is a process by which plants can make their own food. By using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Photosynthesis is the making of food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. जो शब्द photosynthesis है, वो दो अल्फास का मजमुआ है. पहला शब्द क्या है photo, जबकि जो दूसरा शब्द है वो क्या है synthesis. फ़ोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस हम कहते हैं बनाने के अमल को यानी टू मेक तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके अंदर लाइट की मौजूदगी में यानी रोशनी की मौजूदगी में खुराक बनाई जाती है अगर हम फोटोसिंथेसिस की तारीफ़ करना चाहें तो हम कैसे करेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके खुराक तैयार करते हैं तो फोटोसिंथेसिस क्या है फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके खुराक तैयार करते हैं एज यू कैन सी इन डायाग्राम डेट द कैन सिंथिसाइज फूड बाई टेकिंग carbon dioxide from air and water from soil in the presence of sunlight and chlorophyll as we have already discussed in our previous lesson that chlorophyll is present in plants leaf so plants synthesize their food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll and ऐट द एंड प्लान रिलीजिस ऑक्सीजन एंड टू द एयर जैसे हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था कि जो लीवस हैं प्लांट के वो वो साइड्स हैं जहाँ पर फूड प्रिपेयर होती है क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोराफिल मौजूद होता है और क्लोराफिल ग्रीन कलर का होता है इसलिए जो लीव्स हैं उनका कलर भी हमें ग्रीन नज़र आता है और लीव्स वो जगह हैं जहाँ पर खुराक बनाई जाती है पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी और क्लोरोफ़िल की मौजूदगी में खुराक तैयार करते हैं और इस अमल के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं जबकि जो पानी है वो ज़मीन से लेते हैं पौधों को खुराक बनाने के लिए जिन चार चीज़ों की जरूरत है वो कौन सी हैं कार्बन डाइऑक्साइड पानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी और क्लोरोफिल इस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस तो पौधे खुराक बनाने के अमल के दौरान यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान हवा में ऑक्सीजन खारिज करते हैं अगर हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को एक इक्वेशन की फ़ॉर्म में लिखें तो हम क्या कहेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और ग्लूकोज यानी फूड प्रिपेयर पे करते हैं और ऑक्सीजन एयर में रिमूव करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अगर हम एक इक्वेशन यानी एक मसावात की सूरत में लिखें तो हम किस तरह से कहेंगे कि पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी ज़मीन से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज यानी फूड प्रिपेयर करते हैं और साथ ही ऑक्सीजन गैस को हवा में खारिज करते हैं नाउ we will discuss about importance of photosynthesis photosynthesis is one of the most important process that takes place in our world as we can see that the products of photosynthesis are glucose and oxygen these two products are very important for the survival of all living organisms because all living organisms need food or glucose for growing purposes and to perform all their activities and they need oxygen for breathing so if photosynthesis does not takes place all our living organisms will die तो so, जैसे हम देख सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हमारे पास बने हैं वो कौन कौन से हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हैं ग्लूकोज को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं यानी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना होता तो प्लांट्स खुराक ना बना पाते और इस वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खुराक नहीं मिल सकती थी और हर लिविंग ऑर्गेनिज़म को अपनी ग्रोथ के लिए अपने जो रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने के लिए इनर्जी यानी खुराक की ज़रूरत होती है तो जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे तो वो खुराक भी नहीं बना पाते तो इस वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ूड ना मिल सकती और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान जो ऑक्सीजन बन रही है जो कि हवा में शामिल हो रही है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो अगर फोटोसिंथेसिस का अमल ना होता तो हवा में ऑक्सीजन मौजूद ना होती और इस वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सब मर जाते photosynthesis We depend on plants for most of our food requirements But what about plants From where do they get food Well plants make their own food in their leaves by the process of photosynthesis The important things needed by a plant to perform photosynthesis are sunlight chlorophyll Carbon dioxide and water. All plants use energy from the sunlight to make food. The part of the leaves that catches and absorbs the sun energy is called chlorophyll. Remember, it is chlorophyll that gives leaves their green color. Plants obtain carbon dioxide gas from the air. Tiny holes called stomata present on the leaves help this carbon dioxide to enter the leaves. The next important thing needed by the plant is water. Plants get water from the soil with the help of roots. Just like the straw that you use to drink juice, the roots and stems of a plant. Have narrow tubes that help carry water from the roots all the way up to the leaves. The veins in the leaves help to distribute this water to all the parts of the leaf. And then the recipe is complete. Just like how your mother cooks food in the kitchen, the chlorophyll uses the sun's energy.

और फिर हमने इसको इक्वेशन के थ्रू भी अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार करते हैं इसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस की अहमियत देखी चूँकि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज़ बना है तो जो ऑक्सीजन है उसको तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं जबकि जो ग्लूकोज़ है उसको हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं तो इस तरह से कि अगर फोटोसिंथेसिस ना होती तो किसी भी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन ना होता ओके okay, स्टूडेंट्स आज का आपका लेसन यहाँ तक है आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़